press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया अली खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू, जो कि वो देंगी पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार और यूट्यूबर शैला खान को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा, जिसमें ये दोनों बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। जी मैं मोदी साहब को कोट करूंगी, यहाँ पर उन्होंने अपनी सियासी कैंपेन जो कश्मीर के अंदर उन्होंने की कि कुछ परिवार के बीच ये कश्मीर की पॉलिटिक्स थी और इन्होंने कश्मीर को उस तरह से आगे बढ़ने नहीं दिया। अगर मैं महबूबा मुफ्ती की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें, तो यही खानदान पहले भी हुकूमत कर रहे थे 2019 से लेके अब तक, इलेक्शन नहीं करवाए। अब जब करवाए हैं तो फिर इनकी गवर्नमेंट आ गई। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि कश्मीर में अब बेहतरी आएगी कि जैसे पहले वाला था कि वही जो हमारे मुल्क के अंदर चलता है, फंड आते हैं पॉलिटिक्स आपस में जो है ना गोलमोल करके और पॉलिटिशियन सब कुछ गायब कर देते हैं, तो दोबारा से वही पुराने चेहरों का आना आपको क्या लगता है कश्मीर के हक में बेहतर हुआ है? देखिए जनता, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में एक चीज साफ हो गया है, जिसको सभी लोगों को बहुत गौर से सुनना चाहिए कि एक नारा और एक स्लोगन हमारे मोदी जी ने दिया कि हम एक रहेंगे तो हम नेक रहेंगे, हम बटेंगे तो परिवारवाद जो है वो जश्न मनाएंगे, और ये हरियाणा के लोगों को समझ में आया। योगी महाराज जी ने एक स्लोगन दिया था और एक स्टेटमेंट दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ठीक है। तो ये बात भी हरियाणा के हिंदुओं को भी समझ में आया और जम्मू के हिंदुओं को भी समझ में आया, और उन्होंने छप्पर फाड़ करके भारतीय जनता पार्टी को जम्मू से भी वोट दिया और हरियाणा में तो भारी बहुमत में जिताया। अब बात आती है कि एक चीज फिर से साफ हो गया कि जहां पर भी एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट रहते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलता है। क्रिस्टल क्लियर है भाई, क्रिस्टल क्लियर है ये चीज, और इसमें डिनाई नहीं करना चाहिए बल्कि खुल करके प्रखर होकर के बोलना चाहिए कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया से बीजेपी को वोट नहीं मिलता। हाँ, ये हुआ है, लेकिन लेकिन अब बात यहां पर लेकिन में खड़ी हो रही है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी को, बहुत इत्मीनान से सुनिएगा इस बात को, क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत में भारत में जीती थी और मोदी जी ने शपथ लिया था तो कांग्रेस हिली थी, कांग्रेस हिल गई थी। 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटों से उससे भी खूबसूरत प्रदर्शन कर करके वो जीत करके आई थी तो कांग्रेस टूटी थी, कांग्रेस टूट गई थी। जब 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों में रुकी थी और उसके बाद फिर उन्होंने दो पार्टियों को मिला करके अपनी सरकार बनाई और शपथ लिया और मोदी जी ने शपथ लिया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने खात्मे का और अपने जाने का अंदाजा हो चुका था। और उसके बाद एक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो हैट्रिक पे हैट्रिक मारे जा रहे हैं जब जब स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, और एक है कांग्रेस और इंडिया अलायंस का नेता, इस देश में इंडिया अलायंस का एक नेता है जिसका नाम है जनाब हजरत आला राहुल गांधी जी, जो हेट स्पीच करते करते नहीं थक रहे हैं देश में भी और विदेश में भी। अब बात आती है कि क्या आने वाले वक्त में इस पूरे भारत का 15 करोड़ से ऊपर मुसलमान क्या कभी भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट करेगा, क्या कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा? तो मैं आपको ये कह देना चाहती हूँ कि ये जो 27.2% वोट जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को मिला है, आपको क्या लगता है कि इतने हिंदू हैं जम्मू एंड कश्मीर में? नहीं, तो उनमें मुसलमानों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। हरियाणा में जो हमारी भारी बहुमत में जो सीटें आई हैं, क्या इसमें सारे के सारे जाट और हिंदुओं ने वोट किया है? नहीं, इसमें कुछ मुसलमानों ने भी वोट किया है भारतीय जनता पार्टी को। आने वाले 5 साल में, इस क्रोनोलॉजी को बहुत गौर से समझना पड़ेगा कि आने वाले 5 साल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पास मुसलमानों का जो वोट होगा वो 60-40 हो जाएगा,
60% वोट आने वाले 2029 में मुसलमानों का 60% वोट फिर भी कांग्रेस के पास रहेगा, लेकिन 40% मुसलमान भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी के साथ खड़े रहेंगे। 78.2% सनातनियों का वोट है, जिसमें से मैं उसको भी 60% जोड़ ले रही हूँ, क्योंकि कुछ लिब्रांडो हिंदू होते हैं जो भगवान राम को भी काल्पनिक बोल देते हैं, जो जो मजार चले जाते हैं, जो मुसलमानों के पक्ष में गला गला काटने की बात करते हैं और समर्थन करते हैं। कुछ ऐसे बहरूपिया हिंदू भी होते हैं जो मुसलमानों के मुंह से भगवान राम को गाली गलौज करने वाले लोगों को भी समर्थन करते हैं। तो 60% हिंदू और 40% अगर मुस्लिम आने वाले 5 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री के बगल में खड़ा होता है, तो अब आप ये बताइए कि सुपड़ा साफ कांग्रेस का होगा कि नहीं होगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, शिक्षा किसको नहीं चाहिए होगा, इम्प्रूवमेंट किसको नहीं चाहिए होगा, डेवलपमेंट किसको नहीं चाहिए होगा, रोटी कपड़ा मकान किसको नहीं चाहिए होगा, अच्छे अस्पताल किसको नहीं चाहिए होंगे, अच्छा हाईवे किसको नहीं चाहिए होगा, सब्सिडी किसको नहीं चाहिए होगा, सरकार के सारे सारे फायदे किसको नहीं चाहिए होंगे। और साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जिस हिसाब से काम कर रहे हैं कि एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर ले लो, पसमांदा मुसलमान बाहर आओ और तुम पढ़ो, तुम शिक्षित हो जाओ, ईदी योजना, सीखो कमाओ योजना, कारीगर योजना, पढ़ो योजना, उसके बाद फिर मदरसा तोड़ करके स्कूल बनाओ योजना, तो ये सारी चीजें जो धीरे धीरे शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रही हैं। और धक्के मार मार करके हम लोग मुसलमानों की गालियां भी सुन रहे हैं, मुसलमान हमको डिफेम भी कर रहे हैं, पर हम लगे पड़े हैं कि मुसलमान शिक्षित हो जाए। तो इस ये जो हमारा एक परिश्रम चल रहा है, ये जो हमारा एक एफर्ट चल रहा है, आने वाले 5 साल में उसका परिणाम यही नजर आएगा कि 40% मुस्लिम और 60% हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ एक सुर में सुर मिलाएंगे और हम सब कहेंगे वंदे मातरम, भारत माता की जय। मतलब आप कह रही है कि चौथी बार भी बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी और ये डेफिनेटली 3 सालों के बाद या तो बिल्कुल रिजल्ट गिर जाता है या बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, ये एक फैक्ट है, एक नेचर का कानून है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो डिस्कस हो रहा है बड़ी सीरियस नोट पे, वो ये था कि बीजेपी का कश्मीर के अंदर हारने की सबसे बड़ी वजह आर्टिकल 370 था, क्योंकि इसमें कश्मीर के लोगों की जो है राय नहीं ली गई थी, एकदम से इसको हटाया गया, न सिर्फ हटाया गया फिर इंटरनेट सस्पेंड करके कर्फ्यू जैसी सिचुएशन भी नाफिज कर दी। अब जिन जो कुछ कश्मीरी तो इसके सपोर्ट में है, लेकिन ज्यादातर लोगों को वो जो 370 का हटना जिस तरीके से बीजेपी ने किया वो उनको पसंद नहीं आया और उन्होंने इलेक्शन में अपना फैसला जो है सुना दिया। आप इस मामले में क्या कहेंगे कि आर्टिकल 370 को जिस तरह से हटाए, हमने हटा दिया वो हिस्ट्री बन गई, लेकिन बगैर कश्मीरियों को इतला किए हटाया, इसका जो है रिएक्शन इस वक्त जो है बीजेपी को फेस करना पड़ा इलेक्शन कंपेन में? शैला, आप कश्मीरी बच्चियों के साथ भी, हमारे भारत के जन्नत, हमारे भारत का अटूट अंग जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, आप उन बच्चियों से भी डिस्कस करती हैं अपने चैनल पर? जी बिल्कुल जी। आपको या आप हमेशा जियोपॉलिटिक्स में बहुत बहुत फॉरवर्ड रही हैं, बहुत फॉरवर्ड रही हैं, जितनी भी आपके आपके चीजें हम देखते हैं हमारी नजरों से या हमारे नेशनल न्यूज की नजरों से गुजरता है। आपको 370 जब था कश्मीर में, तब कश्मीर आपको खूबसूरत दिखता था या 370 हटने के बाद आपको कश्मीर ज्यादा डेवलप और इम्प्रूव दिखा? पहला सवाल मेरा वाला, ठीक है, लाल चौक से ही पता चल जाता है, अब लोग घूमते फिरते हैं, पहले कोई भी नहीं होता था वहां। पहले कई कश्मीर की मुसलमान महिलाओं ने यहां तक कहा है कि कोई भी जहादी आतंकवादी आता था और घर में जो भी खूबसूरत बच्ची होती थी उसको उठा करके ले जाता और उसके बाद यूज करके उसको ला करके फेंक देता था। उन बच्चियों का सपना होता था आईपीएस ऑफिसर बनने का, आर्मी ऑफिसर बनने का, टीचर बनने का, वकील बनने का, डॉक्टर बनने का, पर जिहादी जिस हिसाब से उसको शारीरिक तरीके से टॉर्चर करते थे। मिलिटेंट के जिहादी में फर्क होता है, जिहाद तो अल्लाह के लिए किया जाता है, जो उत्तर प्रदेश में घूमते रहते हैं, जो बंगाल में घूमते रहते हैं। देखिए, जिहाद और दहशतगर्दी को अलग अलग रखे, ये मामला बहुत सेंसिटिव है। आप बच गई है, मैं नहीं बच पाऊंगी। नहीं, देखो, मुझे तो डरवर लगता नहीं है किसी से, बिकॉज मैं फैक्ट पर बात करती हूँ। मैं फैक्ट पर बात करती हूँ, वो जो मेंटल फिजिकल इतना हाँ ना में जवाब दे के 370 जो कश्मीर के अंदर हटा, कश्मीरियों को बगैर कॉन्फिडेंस में लिए हुए, एकदम से ऐलान हुआ, एकदम से इंटरनेट सस्पेंड
और जो है एकदम कश्मीरी शॉक्ड हो गए, ये हुआ क्या? तो पाकिस्तान में इस वक्त डिस्कस हो रहा है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पे मीडिया की बड़ी नजर होती है, आप भी चैनल्स देख रही होंगी, तो कह रहे हैं कि ये 370 का रिजल्ट मिला है बीजेपी को वहां पर। देखिए शैला, 370 का इतना अच्छा रिजल्ट, 29 सीटें हमारी एनसी के बाद सबसे ज्यादा वोट हमें मिले हैं भाई, और हाँ जम्मू में तो हमने पूरा सूपड़ा ही साफ कर दिया है एनसी का। आप डेटा निकाल करके देखिए, जम्मू में तो हमने एनसी का सूपड़ा ही साफ कर दिया है। जहां जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है वहां वहां पर एनसी को भारी बहुमत में वोट मिला है, और वो नॉर्मल है, दिस इज क्वाइट नेचुरल, दिस इज क्वाइट नेचुरल। उसकी भी मैं 10 सेकंड में आपको रीजन बता दूंगी। आपने कहा कि बिना कश्मीरियों से पूछे एक दिन पूरा वाईफाई और इंटरनेट बंद किया गया और 370 हटा दिया गया, आपका ये सवाल है। मुझे एक बात बताया कि एक घर का निर्णय जब गार्जियन लेता है तो छोटे छोटे बच्चों से पूछता है क्या ये तुम्हारे लिए ठीक होगा, ये तुम्हारे लिए गलत होगा, तुम मुझे सजेशन दो? नहीं पूछता है भाई। लेकिन लाखों कश्मीरियों का सवाल था यहाँ पर। गार्जियन स्वरूप और जो कश्मीर के हालात थे, जिस तरह से कश्मीर कश्मीर से लाशें निकल रही थी, जिस तरह से जिस कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर को बसाया था उनको निकाल करके नरसंहार कर दिया गया, जिस हिसाब से डेड बॉडीज के का काउंट हम नहीं कर पा रहे थे, जिस हिसाब से आर्मीज मर रहे थे, जिस हिसाब से मिलिट्रीज के खून बह रहे थे, उस हिसाब से आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री ने जिस हिसाब से जो निर्णय लिया था वो बिल्कुल कश्मीर के हित में आज अच्छा दिख रहा है। आज वही एनसी के फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वो 370 नहीं लाएंगे अब दोबारा, जो हट गया है वो हट गया है। और आज इसी 370 हटने की वजह से लोग सुकून से और एक वोट का, एक इलेक्शन का जो एक उत्सव होता है वो मना पाए, वो तो फिर 370 इतना फायदेमंद था तो वोट दे के थैंक्स तो कहते ना मोदी साहब को वो। देखिए उसको भी मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि देखिए हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, और एनसी का एक पॉकेट वोट था, बिल्कुल था। एक व्यक्ति अपनी जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक में वो उस चेयर पर बैठा रहा है। द सेकेंड थिंग इज कि मुसलमानों को आदत नहीं है खटके कमाने की। अब आप मुझे एक बात बताएं कि कल को मैं पार्लियामेंट जाती हूँ एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेरा सबसे पहला, आपको पता है पिटिशन क्या होगा, मेरा सबसे पहला डिमांड क्या होगा, मेरे भारत से मजारे तोड़ करके खत्म किया जाए सबसे पहला। क्यों? वो क्यों? वो तो एक सूफी टच है ना, मजार का एक सूफी टच है। वो मुझे गालियां देंगे लेकिन उनकी आने वाली दो पीढ़ी के बाद उनको फील होगा कि अरे मेरा बेटा तो इंजीनियर बन रहा है मजबूरी में ही सही, लेकिन उसको पढ़ना पड़ रहा है, वो एडुकेट हो रहा है, अब उसको बहरूपिया बन करके हरा हरा कुर्ता पहन करके सुरमा लगा करके लोगों को चादर चढ़वाने के लिए नहीं जाना है, अब वो बजावते सूट बूट पहन करके वो जा करके या तो वकालत करेगा या तो डॉक्टर बनेगा या तो इंजीनियर बनेगा। तो जब जब हमारे गोद का बच्चा जब हम पैदा करते हैं, जब हम उसको पढ़ाते हैं तो बहुत रोता है कि मुझे मत पढ़ाओ, मुझे खेलने दो, मुझे कूदने दो। लेकिन माएं क्या करती हैं, बच्चे की पहली दर्जगाह माँ की गोद होती है, बच्चा उसको पकड़ बच्चे को पकड़ती है माँ, उसको जोर जबरदस्ती रोता रहता है, फिर भी उसको पढ़ाती है, कभी चॉकलेट देती है, कभी थप्पड़ भी लगाती है, लेकिन पढ़ाती है। तो उसी तरीके से हम कुछ वक्त के लिए बुरे जरूर बनेंगे और हम बनने को तैयार हैं, लेकिन मैं मेरी मुस्लिम कम्युनिटी को रिफॉर्म करके रहूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। जबरदस्त, थैंक यू सो मच नाजिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और दोस्तों वंस अगेन जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं, बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि कश्मीर के अंदर इलेक्शन जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव समझे भी जा रहे थे और बहुत सिक्योरिटी थ्रेट्स भी थे और हुआ भी कुछ वहां पर ऐसे, लेकिन फाइनली रिजल्ट आ गए और अब एक कहते हैं ना डेमोक्रेटिक सिस्टम का आगाज कश्मीर में होने जा रहा है 2019 के बाद। ये बहुत बड़ी बात होती है, शायद हमारे लिए बड़ी छोटी बात हो लेकिन कश्मीरियों की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। अब वो अपने मुद्दे जो है इधर उधर करने की बजाय सीधा अपनी पार्लियामेंट के अंदर लेके आएंगे जहाँ पर डिबेट्स होगी। तो आप देखिए, देखते देखते पाकिस्तान ने तो 77-78 साल सिर्फ कश्मीर का नारा लगाया, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें चाहिए, आजाद कर दो, आजाद कर दो। लेकिन दूसरी जानी भारत को अगर देखे तो उन्होंने कश्मीर के अंदर बड़ी एक कहते हैं ना ग्रास रूट लेवल से उसके ऊपर प्रोग्रेस किया है, आर्टिकल हटने से पहले, आर्टिकल हटने के बाद। तो जो अचीवमेंट है इंडिया की, हमें उसको प्रेस करना चाहिए
कि वो आप कश्मीर को उस हालातों में नहीं जाने देना चाहते जो 1950 में थे, 1960 में थे, 1970 में थे, और ना ही कश्मीर की यूथ ये चाहेगी कि हम दोबारा से वो कहते हैं ना कि डरे और सहमे हुए माहौल में दोबारा जाएं। सो थैंक यू सो मच नाजिर जी हमें ज्वाइन करने के लिए। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, दुआओं में याद रखिए मुझे और नाजिर जी को, दे इजाजत, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, और सुबह सुबह नाश्ते में जलेबी जरूर खाइएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और शैला खान और नाजिया लाई खान जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और दमदार वीडियो लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।